अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिकवालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 37 रिलेटिविटी प्रॉब्लम 6 है। वो कहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है जो कि पास कर रहा है रेफरेंस फ्रेम एस को, उसकी वेलोसिटी वी है, कॉमन डायरेक्शन है दोनों की एक्स प्राइम और एक्स एक्सिस की। वो कहता है ऑब्जर्वर जो राइड कर रहा है एस प्राइम पे, वो एक टाइम इंटरवल अपनी स्टॉप वॉच पे देखता है, वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी मेजर करता है एक ऑब्जर्वर एस। अब ये जो डेल्टा टी वर्सेस पैरामीटर बी का ग्राफ है, इसमें बी की बीटा की मुख्तलिफ वैल्यू ली गई है। जो वर्टिकल स्केल है वो 14 सेकंड का पीक वैल्यू यानी दिखाई गई है। वो कहता है इंटरवल डेल्टा टी बताओ अगर उसकी स्पीड 0.98 सी। अब अगर हम ग्राफ से देखें तो जब बीटा की वैल्यू 0 है तो उस वक्त डेल्टा टी नॉट रेस्ट टाइम उसका 8 सेकंड बनेगा। तो अब अगर हम फार्मूले के लिहाज से देखें तो डेल्टा टी बराबर लिखा जा सकता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी बाई सी होल स्क्वायर इनटू डेल्टा टी नॉट। डेल्टा टी नॉट गिवन हो गया, ग्राफ से पता लग गया और स्पीड हमें बता दी थी 0.98 सीसी से कट जाएगा, बाकी सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 40 सेकंड आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।